हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस की। दोस्तों, तो मैं इसमें आपको सबसे पहले यहाँ बैक का दिखाना चाहूँगा कि इसमें 15.81 सेंटीमीटर जो है फुल HD स्क्रीन है इसकी। इसमें डुअल कैमरा है। बैक कैमरा जो आपको मिलता है यहाँ पे वो 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है और फ्रंट कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट है और डस्ट रेजिस्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है ये आयरिस स्कैनर है, ये आँख को भी स्कैन करके कर सकता है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वायरलेस चार्जिंग है, इसमें वायर के बिना ही चार्ज हो जाता है। हेडफोन्स भी इसमें बहुत ही अच्छा है और इसमें 64 GB का इंटरनल मेमोरी है और 4 GB का रैम है। चलिए अब मैं इसे खोल लेता हूँ। इसका लुक जो है फ्रेंड्स, वो बॉक्स का भी लुक बहुत ही बेहतरीन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। वैसे मैंने इसे खोल तो लिया था पहले ही, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार मैं रिव्यू बना लूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए ही ये रिव्यू बनाया है फ्रेंड्स। अब मैं इसे यहाँ से खोल लेता हूँ, देख सकते हैं आप इसे। ये है मेरा फ़ोन। मैं इसे ऑलरेडी दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था, जिससे मैंने लिया था काउंटर पर से, उन्होंने अनबॉक्स करके दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक रिव्यू यहाँ पर से फ्रेंड्स बना लिया। इसकी जो आप लुक की बात करें, ये बहुत ही अच्छे लुक में है फ्रेंड्स, जहाँ तक आप देख सकते हैं। इसका बैक बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में जो मुझे मिला है वो पिन इजेक्टर मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, और साथ में ये वायरलेस चार्जिंग्स और फिर डाटा केबल्स के लिए जो भी है। और यहाँ पे ये आपको हेडफोन्स मिला है, हेडफोन्स भी बहुत ही अच्छा हेडफोन्स है इसका। आई होप कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगी दोस्तों। और इसके जो वायर है वो बहुत ही प्यारे हैं वायर इसके, ये बहुत ही प्यारा है हेडफोन्स। और इसमें कुछ इजेक्टर टूल्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यूज़र मैनुअल्स और जो भी मिले हैं। अब चलिए मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। फ़ोन देख सकते हैं इस तरीके से फ़ोन यहाँ पर ऑन हो रहा है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं इसमें सैमसंग लिखा हुआ है। मैं पहले ही बता दूं, मैं इसे जब काउंटर पर से लिया था तो मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक रिव्यू नहीं बनाया था, तो मैं आपके लिए एक रिव्यू स्पेशली यहाँ पर बना ले रहा हूँ। देख सकते हैं मैं इसे स्वाइप कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं ये खुल गया। इसकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको इसका कैमरा क्वालिटी चेकअप करा देता हूँ। कैमरा क्वालिटी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इसके कैमरा क्वालिटी को, बहुत ही प्यारा कैमरा क्वालिटी है और फुल HD मोड में है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो फुल HD मोड्स में है फ्रेंड्स। मैं आपको क्लिक करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। सेटिंग में दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले वगैरह का एडवांटेज है, ऐप लॉक्स का है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया है फ्रेंड्स। अबाउट फोन में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस S8 प्लस है, मॉडल नंबर जो भी है। इसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें नॉगआउट का सॉफ्टवेयर 7.0 वर्सन है, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्सन है फ्रेंड्स। मैं इस पर क्लिक करके आपको मैं इसका वर्सन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये नॉगआउट का वर्सन है। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है फ्रेंड्स, थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे सकती है। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और चीप एंड बेस्ट में अच्छा फ़ोन है। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद।